गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। यूपी में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कृषि कानून और गन्ने के बकाया भुगतान के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत। महापंचायत में 300 से अधिक किसान संगठन के जुटने का दावा। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, ना तो चुनाव लड़ेगा किसान मोर्चा, ना ही किसी भी राजनीतिक दल को देगा समर्थन। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में नजर आई महिला प्रदर्शनकारी। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह आज, भारत ने रचा इतिहास की अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक की अंक तालिका में 26वें स्थान पर भारत, अब तक जीते 19 पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक जीते 4 गोल्ड मेडल। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने रचा इतिहास, बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन बने। यूपी में गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में किया कमाल, बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 42,766 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 308 लोगों की कोरोना से गई जान। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 55 नए मामले दर्ज, किसी ने नहीं गवाई जान। यूपी के 24 जिले कोरोना मुक्त, इन जिलों में एक भी नया मामला नहीं। कोरोना की वजह से भारत में फंसे 98 पाकिस्तानी लोगों का कोविड टेस्ट। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल बंद करने से नाराज विधायक धरने पर बैठे। यूपी में वन विभाग परीक्षा में धांधली को लेकर 3 जालसाज गिरफ्तार। गोंडा के सरकारी स्कूल में अजगर देखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के महोबा में 16 साल की युवती के साथ गैंगरेप, शिकायत के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, खेड़ा गांव में लूटपाट के दौरान फायरिंग। गणेश उत्सव के लिए 7 सितंबर को मुंबई से कॉन्कर के लिए रवाना होंगी विशेष ट्रेन। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक जगहों पर 4 फीट और घरों में 2 फीट की ही होगी बप्पा की मूर्ति। अमृतसर में दिखने लगा गणेश चतुर्थी का रंग, दूसरे राज्यों से आए कारीगरों ने सजाए दुकानें। फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते प्रकोप का नया प्रयोग, अब मछलियां मारेंगी मच्छर का लार्वा।